हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुषार सर का विज्ञान। तो लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने मिरर इक्वेशन पढ़ा था और मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट। जिसने पहले के दो लेक्चर नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करके लेक्चर देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नया टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमने जैसे पढ़ा था स्टार्टिंग में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें हमने क्या पढ़ा था, जब लाइट आपके एक ऑब्जेक्ट में पड़ती है तो उसी पाथ में क्या होती है आपकी बाउंसेस बैक, उसी पाथ में क्या होती है आपकी बाउंसेस बैक। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। वेरी गुड। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट आपकी वन मीडियम से ट्रांसफर होती है अनदर मीडियम में, वह लाइट आपकी ट्रांसफर होती है वन मीडियम से अनदर मीडियम में, आपकी लाइट बेंड होती है, उसी प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन लिखिए, बेंडिंग ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन लिखिए, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए हम समझते हैं मीडियम को, समझते हैं मीडियम एक्चुअली होता क्या है। मीडियम देखो, मीडियम दो टाइप के होते हैं। एक मीडियम होता है आपका रेयरर मीडियम, एक कौन सा मीडियम होता है आपका रेयरर मीडियम, एक होता है आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं रेयरर मीडियम की या डेंसर मीडियम की, इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। बहुत से टीचर इसको अच्छे से समझा नहीं पाते, वो लोग बोलते हैं डेंसिटी मतलब डेंसर मीडियम में मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी जो कॉन्सेप्ट है आपका, डेंसिटी से कॉन्सेप्ट ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, ये कॉन्सेप्ट यहाँ का नहीं है। ये डेंसिटी डेंसर मीडियम का मतलब होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या होता है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली का मतलब होता है लाइट आपकी रेयरर मीडियम में ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगी, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट क्या करेगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में स्पीड क्या होती है लाइट की? मैक्सिमम स्पीड लाइट कैसे होती है आपकी? मैक्सिमम। और यहां पे क्या होगी लाइट स्पीड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? रिड्यूस। तो रेयरर मीडियम क्या होगा, कोई भी दो मीडियम अगर मैं कंपेयर करूं, सपोज मैंने बोला आपका ये ग्लास है, ये क्या है आपका ग्लास, ठीक है, ये आपका वॉच ग्लास है, यहां पे कौन सा मीडियम है आपका? एयर। ये कौन सा है? ग्लास। और फिर इधर क्या है नीचे आपका? एयर। ये एक्सपेरिमेंट आपने स्कूल में करा भी होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला। तो एयर को हम क्या बोलते हैं, कौन सा मीडियम है आपका? रेयर मीडियम। कौन सा? एयर। और ये कौन सा है आपका? डेंसर। सपोज मैंने बोला ग्लास वाला कॉन्सेप्ट, चलो पहले ये समझाता हूं, फिर ग्लास वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूं। पैरेलेक्स सिंड्रोम है, पैरेलेक्स भी बहुत ही स्कूल के टीचर अभी तक आई थिंक किसी स्कूल के टीचर ने इस टॉपिक को छुआ भी नहीं होगा कि पैरेलेक्स होता क्या, लेटरल डिफरेंशिएटेड लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या, पर क्वेश्चन आते हैं वहां से। ठीक, तो सपोज आपकी एक लाइट इंसिडेंट कर रही है, ये लाइट, इसको अपन क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो इसके दो कंडीशन है, इसके क्या है दो कंडीशन देखो। पहला कंडीशन, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, when light travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. It bends towards the normal. तो इसका normal क्या होगा? ये normal है। तो कहने का मतलब क्या है? When light air rarer medium से ना जाएगी आपके denser medium में, तो it bends towards the normal. फिर दूसरा point, when light travels from denser medium, when light rarer medium travel from denser medium to rarer medium, it bends away from normal. It bends away from normal. तो पहले क्या हुआ आपकी ये जो light है rarer medium में, ये आपका क्या है normal, ये भी क्या है आपका normal. तो suppose जैसे ही आपकी incident रहे, ये वाली ray कौन सी आपकी incident रहे, ये कौन सी है इंसिडेंट रे। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे क्या होगी, कुछ रे यहां से बह जाएंगी आपके रिफ्लेक्ट, कुछ रे बह जाएंगी यहां से आपके रिफ्लेक्ट, इसका ऊपर क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे।
अब आएगा वर्ड रिफ्रैक्टेड। तो हमने क्या पढ़ा, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो मीडियम आपका कौन सा है, रेयर मीडियम। नीचे कौन सा आपका, ग्लास मीडियम है। तो लाइट अभी क्या कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो क्या होगा, बेंड करेगी लाइट अभी, ये करेगी इसने बेंड, और कैसे बेंड करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये देखो नॉर्मल पास में है, क्यों, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब डेंसर मीडियम से ना जाएगी रेयर मीडियम में, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस लाइन को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो यहां पे पहले लाइन हम क्या है, इंसिडेंट रे, 20 से ज्यादा कौन सी होगी, इंसिडेंट रे। अब तीसरी बार जो लाइट निकल रही है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है रिफ्रैक्शन का, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट अपनी ट्रैवल कर रही है तो क्या होता है, वो बेंड करती है। और जब रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, रेयर से डेंसर में क्या होती है आपकी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाती है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो कंडीशन आपको याद करना है, इसको नोट डाउन करके फिर हम लिखेंगे आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चैप्टर बहुत इजी है, फिजिक्स जैसा कुछ इजी नहीं है, फिजिक्स सबसे इजी है, सभी चीज को विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है आपका। अब हमको पढ़ना है इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद मैं एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं पैरालेक्स। ठीक है, ये वाला लिख लिया ना आपने। ठीक है, तो ये जो मीडियम है आपका कैसा है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इसको कंफ्यूज नहीं करना उससे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपके एग्जाम टीचर लोग क्या करते हैं बताते हैं, स्कूल के टीचर लोग, कि डेंसर मीडियम मतलब ज्यादा मैटर पार्टिकल्स है और रेयर मीडियम मतलब हल्के पार्टिकल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर मैंने बोला, दो एग्जांपल मैंने आपके ले लिया, सपोज मैंने बोला ग्लास और मैंने बोला आपका वाटर। अब इसमें ऑप्टिकली रेयर मीडियम कौन सा, दोनों में से ग्लास और वाटर में से, आपका वाटर कैसा मीडियम है, रेयर, ग्लास कैसा है आपका सॉलिड। अगर चलो मैंने एक और ले लिया स्टील, मैंने क्या ले लिया स्टील, और दोनों ग्लास और स्टील के बीच में, तो ये कौन सा हो गया स्टील, रेयर मीडियम, ये कैसा हो गया डेंसर मीडियम। ठीक है, क्योंकि यहाँ की स्पीड क्रिएट कर देगी। ठीक है, अब हेडिंग डालना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो इसके भी दो लॉज है, जैसे आपके लॉज ऑफ किसके थे, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइ ऑन द सेम प्लेन। और दूसरा लॉ क्या था आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ चीजें नहीं, इस बारे में छोड़ दे, वो हैंडआउट के फॉर्म में मिल जाएगी। और ऑनलाइन व्यूअर्स, मेरे आपको मेरे ऑनलाइन हैंड रिटन नोट्स मेरे पीडीएफ के फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं जेपीजी के फॉर्म में, इमेज प्रिंट के फॉर्म में अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो आप दोनों चैनल को फॉलो करिए, मेरे इंस्टाग्राम के चैनल को भी और मेरे टेलीग्राम के चैनल को, दोनों चैनल का नाम सेम ही है, तुषार सर का विज्ञान। ठीक है, अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझते हैं। देखो इसके साथ ही साथ लिखना, देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या कहता है आपका, इंसिडेंट रे, देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहला लॉ क्या कहते हैं आपका, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑल लाइ ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपका, एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, इसका मतलब देखो क्या होता है,
इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस का मतलब होता है जहां पर तीनों चीजें आपस में मिल रही, जहां पर तीनों चीजें आपस में क्या हो रही मिल रही, इसको क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस। जहां पर तीनों चीजें देखो आपकी इंसिडेंट रे भी मिल रही है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी मिल रही है, क्या है नॉर्मल, तीनों मिल रहे हैं एक पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस पॉइंट, मतलब तीनों का मिलने का पॉइंट। ये है आपका लॉ नंबर वन। अब दूसरा नंबर का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं स्नेल्स लॉ। देखो स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ कहता है आपका रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट टू डेट ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट टू डेट ऑफ रेशियो ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। इस क्या है अपना कॉन्स्टेंट, तो कहने का मतलब क्या कह रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या है आपका कॉन्स्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या है कॉन्स्टेंट, इसी को क्या कहते हैं स्नेल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीपोड वालों के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंटीपोड वाले इसको ध्यान से पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ठीक है, दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है आपके, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑल आर इन द सेम प्लेन। सेकंड क्या है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट टू डेट ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है आपका कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अब इसी कांस्टेंट को हम आगे पढ़ेंगे, जब कोई कांस्टेंट होगा तो उसकी कोई वैल्यू क्या होगी आपकी वैल्यू, जब कोई कांस्टेंट होगा उसकी कोई वैल्यू क्या होगी आपकी वैल्यू। केसरिया तेरा इश्क है पिया, देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या है आपका कॉन्स्टेंट, इस कॉन्स्टेंट को हम कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन और म्यू, किसके फॉर्म में एन और म्यू, इसको क्या बोलते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इसको क्या कहते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, क्या कहते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू होता है आपका साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखो इसको समझते हैं, यह है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कांसेप्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यह बताएगा रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। तो हमने क्या बोला रेयर मीडियम में, ऑप्टिकली रेयर मीडियम में आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है मैक्सिमम, तो लाइट की स्पीड बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर क्या होता है डेंसर से कहां जाती है आपकी रेयर में, तो लाइट की स्पीड बेंड करती है आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल स्पीड क्या होती है कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ये बताता है कि कितना लाइट बेंड करेगा, कितना लाइट क्या करेगा आपका बेंड, कुछ लाइट बेंड करेगा ना कम करेगा ज्यादा करेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा उसकी बेंडिंग कैपेसिटी लाइट की क्या है उतनी ज्यादा। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है कुछ वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता है आपको, जैसे एयर का क्या है वाटर का क्या है डायमंड का क्या है नहीं पता। ठीक है, पहले ये चीज़ कि मैं आपको वैल्यू बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमंड की वैल्यू 2.42 है, वाटर की वैल्यू 1.33 है, एयर की वैल्यू 1.00 ठीक है। तो म्यू इज़ इक्वल टू क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर, और म्यू की वैल्यू क्या होती है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो कुछ वैल्यूज आपको याद करना है, कुछ वैल्यूज आपको क्या करना है याद, देखो इधर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि लाइट कितना बेंड करेगा। अब देखिए म्यू आपकी एयर के लिए हम वैल्यू प्रेजेंट करते हैं कितनी 1, कितनी 1, वाटर के लिए हम वैल्यू प्रेफर करते हैं कितनी 1.33। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, अब देखो सीबीएसई वाले और एमपी बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायमंड में कितनी है
डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2.4। देखो वैल्यू कितनी ज्यादा है, एयर से वाटर से क्या है वैल्यू ज्यादा है। ऑयल की वैल्यू क्या होगी, इससे थोड़ी ज्यादा होगी, इसलिए ऑयल के ऊपर कुछ जल गिरता तो कैसे चमकता लाइट आपका। तो जिसकी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी बेंडिंग कैपेसिटी क्या है उतनी, इसीलिए ये क्या है आपका सबसे कॉस्टली मेटल है जो लाइट को क्या करता है अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, चमकते हुए दिखता है, क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है बहुत ज्यादा है। तो क्वेश्चन अगर आया व्हाई डायमंड स्पार्कल, सीबीएसई का क्वेश्चन आपका क्या आएगा, व्हाई डायमंड स्पार्कल बिकॉज ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो म्यू इक्वल टू क्या था, साइन है अपॉन साइन आर, इसका एक और फॉर्मूला है, म्यू का एक और फॉर्मूला क्या है आपका, देखो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट कहां पे बात कर रहे हैं, वैक्यूम, वैक्यूम बोले तो यूनिवर्स और किस मीडियम में, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू इज इक्वल टू होता है आपका सी अपॉन बी, एक और फॉर्मूला आपका म्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन बी, वेयर सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, और v की वैल्यू क्या है ये तो आपको पता चलेगा कि कोई मीडियम है, सपोज मैंने बोला लाइट आपकी सन से आ रही है तो यूनिवर्स में आ रही है, यूनिवर्स मतलब वैक्यूम है, वैक्यूम की स्पीड कितनी लाइट की 3×10⁸। अगर मैंने बोला लाइट आपकी ग्लास के अंदर जा रही है तो ग्लास के अंदर क्या होगी वैल्यू क्या हो जाएगी कम होगी, स्पीड की कम होगी कि नहीं होगी ग्लास के अंदर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी कम, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट, उतना ज्यादा चमकेगा आपका ऑब्जेक्ट। लिखिए इसको, अब मैं आपको समझाऊंगा अपर एंड वाला कॉन्सेप्ट, ये लिख लीजिए, ये बकेट है आपका, ये क्या है आपका बकेट, क्या भरा हुआ है इसमें पूरा वाटर, बकेट है इसमें क्या भरा है पूरा वाटर, वेरी गुड, ये बकेट है आपका और ये है आपका वाटर भरा हुआ, और ऊपर में कौन सा मीडियम है आपका एयर, ऊपर में कौन सा मीडियम है एयर, तो एयर है और वाटर कैसा मीडियम है आपका डेंसर मीडियम है, तो एयर आपका कैसा मीडियम है रेयर, एयर कैसा मीडियम है रेयर, और वाटर कैसा है आपका डेंसर, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सपोज अब यहां से मैं देख रहा हूं ये मेरी आंख है, मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है, ये मेरा कॉइन है, ओरिजिनल कॉइन मेरा ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये 10 रुपए का कॉइन है मेरा, ठीक है, ठीक है, ओरिजिनल कॉइन मेरा कहां पर है, ये है ओरिजिनल है, तो जे जहां तक आपका एक्चुअल कॉइन पड़ा है उसको बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ, क्या बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ, और इसी को हम बोलते हैं रियल डेप्थ, क्या कहते हैं रियल डेप्थ, मतलब असली में कॉइन मेरा यहाँ पर है, पर ड्यू टू रिफ्रैक्शन लाइट जब आपकी ट्रेवल करेगी फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, आपको कॉइन यहाँ नहीं यहाँ दिखेगा, आपको कॉइन कहाँ दिखेगा यहाँ, और आपको इतना मोटा दिखा कॉइन, तो इसको क्या बोलते हैं ये वाली जो डिस्टेंस है ये सही डिस्टेंस है क्या नहीं, ये डिस्टेंस कैसी है आपकी गलत वाली डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं
आपका अपेरेंट हाइट क्या बोलते हैं? अपेरेंट हाइट। तो रियल हाइट और अपेरेंट हाइट समझ में? रियल मतलब जितना असली में मालूम पड़ा है, जितना आपको उठ के दिखा, सो क्या बोलते हैं? अपेरेंट हाइट और अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का, सपोज ये डिस्टेंस यहां पर है, इनके बीच का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है आपका? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है ना, यूनिट ऑफ क्या है? लेंथ है। अब ये बोल लो आपकी ओरिजिनल पॉइंट यहां से यहां तक चला गया, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बोला? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इस कांसेप्ट को बोलते हैं पैरेलल्स। इस कांसेप्ट को क्या बोलते हैं? पैरेलल्स। मतलब कहने का मतलब है जहां पर आपकी ओरिजिनल चीज है वहां पर ना दिखे, कहां पे दिख रही है? किसी दूसरे जगह। सपोज आप ग्लास के अंदर अगर पेंसिल भी डाल रहे हो, सपोज ये आपकी ग्लास है, पानी से भरा हुआ, पेंसिल लाके हाथ में, तो पेंसिल भी आपको कैसे दिखेगी? उठी हुई दिखेगी। तो जब भी आप ग्लास के इस साइड से देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट कैसे बड़े टाइप की दिखती है? एक्चुअली अगर मछली रखे आपके एक्वेरियम में तो जितनी छोटी है वो आपको कैसे दिखेगी? बड़ी दिखेगी। अगर ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा मछली पास में है, पर एक्चुअली है कहां पे? डेप्थ में। इस कांसेप्ट को क्या बोलते हैं? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? पैराडाइज।